नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भक्तों। भक्तों, यदि आप वशीकरण कर करके थक चुके हों और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो कि आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं और उसकी कहीं और सगाई हो चुकी है या होने वाली है, तो उसको आप तोड़ना चाहते हैं, उसको आप अपने वश में करना चाहते हैं और मनचाहे काज करवाना चाहते हैं, या कि आपके प्रेमी ने आपको धोखा दे दिया है या आपकी प्रेमिका ने आपको धोखा दे दिया है, आपके साथ खिलवाड़ किया है, उससे आप बदला लेना चाहते हैं, तो बदलाव की भावना में मत बहिए। एक साधारण सा उपाय लेकर के आया हूँ जिसकी मदद से आप उसकी सगाई शादी तोड़ सकते हैं और अपना बदला पूरा कर सकते हैं। तो आपको एक अजमाया हुआ उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि एक पावरफुल है और प्रैक्टिकल पहले हम अजमा चुके हैं, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी कड़ियाँ लेकर के आए हैं, आते रहते हैं और आए भी हैं, जो कि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं उसका समाधान आपको पूर्ण तरीके से मिलता रहेगा और मिलता है। तो प्लीज आप इग्नोर करके ना जाइए, अगर इग्नोर करना है तो वीडियो को अभी स्किप तुरंत कर दीजिए। हमको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो कि वीडियो को चालू तो कर लिया फिर उसका देखता नहीं है, फिर वो कॉल करते हैं, फिर हमें परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं अपने चैनल को बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ उनके लिए उपाय बताता हूँ जो सच्ची श्रद्धा के साथ यह कार्य करना जानते हैं और सच में जो परेशान हैं उनके लिए लाता हूँ उपाय, फालतू लोगों के लिए बिल्कुल नहीं लाता हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको इस उपाय के बारे में बताते हैं, ठीक। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गिलास में गंगा जल होना चाहिए, ये अपना सादा पानी नहीं चलेगा। इस उपाय को करने से पहले आपको पूरी जानकारी दूंगा और समय और दिन भी बताऊंगा। तो गंगा जल आपको एक शुद्ध, चाहे वो स्टील का गिलास हो, कांच का हो, या किसी प्रकार का गिलास हो, या प्लास्टिक का हो, या कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल, ज़्यादा मात्रा में ना हो कम मात्रा में हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस उपाय को आपको मैं बता देता हूँ, सोमवार और गुरुवार के दिन कर सकते हैं। आपको सोमवार और गुरुवार के दिन कब करना है, यह उपाय आपको रात्रि में 9 बजे के बाद करना है और 12 बजे के पहले। और आगे क्या करना है पूरी जानकारी सुनिएगा, आधी अधूरी जानकारी कभी गुरु नहीं समझाता है, आप लोगों के समझ में ना आए तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, कटोरी में प्लास्टिक की किसी भी चीज़ में, कांच की किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा सा गंगा जल रख लेना है। जिसकी शादी तोड़ना चाहते हैं उसका नाम और जिसके साथ होनी है उसका नाम, दोनों का नाम एक पेपर में लिख लेना है। ये जरूरी नहीं है कि इसकी शादी इससे हो रही है, इसकी शादी इससे हो रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं, नाम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन दोनों का नाम आपको पेपर में लिख लेना है, गंगा जल आपको सामने रख लेना है, ठीक है, जिस तरीके से मैं रखा हूँ। बाद में ये मत बोलना कि समझ नहीं आया गुरुजी, इस तरीके से आपको रख लेना है। थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग करना है, इस नाम के ऊपर डालना, और ज़रा सा नमक, इतना सारा नमक भी आपको यूज नहीं करना, आपको दिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है ताकि आप ठीक से समझ सकें। नमक और हल्दी का आपको प्रयोग करना है और कोई चीज़ का नहीं, गंगा जल आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से आपको हाथ में पकड़ लेना है, जिसके साथ शादी होना उसका नाम लिखना है और जिसकी उसके साथ होना उसका, और जो कर रहा है यह कार्य उसका कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना उसका, ना नाम लेना है ना कुछ, जैसे कि 2 लोगों की शादी हो रही है, ठीक है। मैं आपको क्लियर ही समझा दूं क्योंकि आप लोगों को बहुत कम समझ में आता है, ये 2 लोगों की शादी हो रही है, तीसरे आप ये हो,
और आप इनसे प्यार करते हो या इनसे प्यार करते हो, ठीक है, आप किसी एक से प्यार करते हो, आप इनकी शादी को तोड़ना चाहते हो, इनकी सगाई को तोड़ना चाहते हो, या इनसे आप बदला लेना चाहते हो, इनसे या इनसे, तो आपको अपने नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यह उपाय करना है, उनका नाम लिख करके दोनों का, इन दोनों का नाम लिखना है। ऐसा कोई नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं समझा करके बताता हूँ। तो आप दोनों का नाम लिख लेना और थोड़ा सा हल्दी और नमक उनके नाम के ऊपर डाल लेना है। फिर क्या बोलना है ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही पावरफुल चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल मंत्र बताने जा रहा हूँ। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओम कामाक्षी मम देवी नमः फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको सिर्फ और सिर्फ 11 बार करना है, ठीक है। पीछे करके वीडियो देख लेना, दोबारा सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद उपाय शुरू करना, ठीक है। इस प्रकार से हाथ में पकड़ने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना, इसको इस तरीके से बंद कर लेना, और इसको क्या करना है 9 और 12 बजे के पहले करना है, रात्रि में, सोमवार गुरुवार, ठीक है। इस प्रकार से इसको डाल देना है। सोते समय ध्यान, बहुत ध्यान लगाना, ये पावरफुल उपाय बताने जा रहा हूँ। सोते समय आपको अपने बिस्तर के नीचे, आजू बाजू, बेड के नीचे, तकिया के आजू बाजू, या इसमें अगर आप कोई वैसे चीज़ यूज कर रहे हो तो इसमें ढक्कन लगा के भी रख सकते हैं, जैसे कि डांट होती है तो उसमें भी रख सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको इसको अपने पास रखना है रात भर। सुबह जैसे आपने सोमवार को किया तो मंगलवार को सुबह उठ करके क्या करना है, नहा धो करके पूरा स्वच्छ कपड़े पहन करके, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट से नए कपड़े खरीद करके पहने, आपका जो यूज किया हुआ कपड़ा वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साफ सुथरे होना चाहिए, जैसे कि धुले हुए, उसको उठा करके आपको नहा करके पहन करके स्नान पूर्वक आराम से करिए। टाइम चाहे जो हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या करना है, जब स्वच्छ कपड़े आप पहन लें तो अपने ये जो आपने पेपर डाला है उसमें मिक्स हो ही जाएगा, ना भी हुआ हो तो इसको खोल देना है और इस प्रकार से आपको इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। इसको मिक्स कर देना है इस प्रकार से, जैसे कि मैंने मिक्स कर दिया है, और इस प्रकार से छिड़काव कर देना है 11 बार। इस प्रकार से उसका नाम लेकर के मैं बताऊंगा, इस प्रकार से 11 बार करना है। और जिसकी तोड़ना चाहते हो, जिसके तरफ से, या लड़की की तरफ से या लड़का की तरफ से, उसका नाम लेना है। यदि लड़की की तरफ से तोड़ना चाहते हो तो लड़की के नाम से छिड़काव करिए 11 बार, ऐसे ऐसे 11 बार छिड़काव कर दीजिए एकांत में बैठ करके, और कुछ नहीं रखना सामने, ना इसको रखना ना इसको रखना, कुछ नहीं, उसके नाम से बस छिड़काव कर देना है। या लड़के की तरफ से तो लड़के की तरफ से 11 बार, एक ही तरफ से 11 बार करना है आपको। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया हुआ और आपको समझा करके बताया हूँ, और फिर भी समझ ना आए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए और भी आपको जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।